डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं दुलाचंद दास। बच्चों, हम लोग क्लास फाइव का मैथ को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सरसाइज सिक्स है ये, और इसमें रोमन नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं रोमन नंबर दिया हुआ है, और इसके बारे में मैं आप लोगों को चैप्टर टू का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें मैं रोमन नंबर का पूरा काउंटिंग बतला चुका हूँ। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लेंगे। इससे क्या होगा कि इसको आपको बनाने में ईजी हो जाएगा, समझ में आसानी से आएगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। नंबर वन में हम लोग पढ़ के देखते हैं क्या बोल रहा है। कंपेयर ऑरली यूज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन द बॉक्स। अब यहाँ पे ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको देखकर जो है पता करना है, कंपेयर करना है कि ये कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आपको पहले भी हम बता चुके हैं ग्रेटर देन और लेस देन याद रखने का सबसे ईजी तरीका ये है कि जिधर मुँह खुला हुआ हो तो वो बड़ा होता है, और जिधर नुकीला इस तरह का बना हुआ हो वो छोटा होता है। तब हम लोग पता करते हैं कि ये कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। यहाँ पे x का मतलब हो गया 10 और ये c इसका मतलब हो गया 100। 100 में से पीछे जब रहता है तो ये क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो ये 90 हो गया और ये 91 हो गया। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, हालांकि आपको लिखना नहीं है, ये रफ के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ 91 हो गया और ये हो गया l 50 और x 60 हो गया, 62 ये हो गया 62। अब आसानी से आप जान गए कि ये कौन सा बड़ा है, तो ये बड़ा है। ये बड़ा है तो इधर मुँह खुला कर देते हैं, ये हो गया कम्प्लीट। उसके बाद बी नंबर में ये x और l, इसका मतलब है कि l के पीछे x अगर हो तो 40 हो गया, और ये 43 हो गया। तो 43 हम यहाँ लिख लेते हैं, और l के बाद इधर x हो तो 60 हो गया, तो ये 63 हो गया। यहाँ 3 दिया हुआ है तो ये 63। अब आप पता चल गया होगा आप लोगों को कि कौन सा बड़ा है, तो ये बड़ा है। तो यहाँ पे हम इधर मुँह खुला कर देते हैं, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं l और ix का मतलब होता है 9। l मतलब 50 और ये 9, 59 हो गया, ये 59, और C का मतलब होता है 100। अब पता चल गया कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है 100। तो हम लोग इसको इधर करेंगे, ये हो गया। उसके बाद XC, इसका मतलब है कि पीछे X है C के, 90 हो गया और ये 6 हो गया, 96, ये 96, और यहाँ पे L और X 10 हो गया, 60 और ये 6, 66, ये हो गया 66। तो बड़ा ये हो गया, ये हो गया, इधर मुँह करेंगे इसका। उसके बाद C और 9, मतलब 100 और 9, 109 हो गया, और CXL, C मतलब हो गया 100, 10 और 50। तो 100 ये नहीं, ये हो गया L के पीछे X लगा हुआ था, 40 हो गया, तो 140 ये हो गया। इसका मतलब ये बड़ा है, इसको इधर करेंगे, ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद C और XC, इस C के पीछे X लगा हुआ है, मतलब है कि ये 90 हो गया और ये 191, और यहाँ पे C 100 हो गया, L 150 और फिर 20, 170 और 174 ये हो गया। अब ये जो है ये बड़ा है, तो मुंह इसका इधर करेंगे, ये हो गया कंप्लीट वन नंबर। अब टू नंबर में हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। राइट द इक्विवेलेंट रोमन नंबरल इन द बॉक्स। अब इसके बराबर यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो आप इसको रफ़ कर सकते हैं इस तरह से, जैसे हम इसमें रफ़ किए हैं। तो इसको आपको यहाँ पे मैं रफ़ करके दिखा दे रहा हूँ, लेकिन जहाँ आप बनाएंगे स्कूल में या अपने ट्यूशन में, तो वहाँ पे सेम उसी जगह रफ़ करने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ रफ़ नहीं करना है, पीछे में या कोई दूसरा पेज में रफ़ करना है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ये हो गया 50 और ये माइनस 10 मतलब 40। तो 40 हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स और एल, 50 में से 10 माइनस हो गया, तो ये हो गया 40। अब यहाँ पे ये कितना है, ये आसान था इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा। अब ये यहाँ पे ये 40 हो गया, ये 2 हो गया, 42 हो गया, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 42। और यहाँ पे 10 20 हो गया, और यहाँ पे ये 9 हो गया, 29 प्लस हो गया 29। तो अब इसको जोड़ते हैं, 9 to 11 हो गया, 11 1 बच गया, 4 to 6 और 1 7 71। तो 71 हम लोग कैसे लिखेंगे, 71 लिखने के लिए पहले 50 लिखेंगे, फिर 2x लगाएंगे, ये 70 हो गया और ये 1 71 हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। अब यहाँ पे c 100 में जो है 10 माइनस हो गया, तो 90 हो गया और ये 92 माइनस यहाँ पे 50 60 और ये 8 68 68। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 12 में से 8 4 और यहाँ पे 8 हो गया, 8 में से 6 2 24 आ गया, तो यहाँ पे 24 लिखना है।
तो उसके लिए डबल एक्स लगाएंगे, ये हो गया 10 और ये 10 20 हो गया, और 4 उसके लिए आई भी 24 ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे सी सी इसका मतलब है 200 हो गया, और माइनस 10 तो 190, तो 190 लिखने के लिए क्या करेंगे, सी 100 हो गया, उसके बाद 90 के लिए हम लोग सी में एक्स माइनस करेंगे तो इधर एक्स लिखेंगे और फिर सी लिखेंगे 190, ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद ई नंबर में सी एल मतलब 150 हो गया, और 11 160 हो गया, 161 माइनस यहाँ पे सी और एक्स एल के पीछे लगा हुआ है इसका मतलब 40, तो 140 और 50 हो गया, 10 लगा दिया तो 50 और फिर 20 हो जाएगा 60 और 21 तो बस कितना गया 21 ये हो गया। अब जो है यहाँ पे 21 लिखने के लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, x x से 20 होता है और 1 लगा देंगे, ये हो गया 21। उसके बाद f नंबर में सी एक्स सी इसका मतलब है कि 190 और ये 194। अब इसमें माइनस करेंगे सी एल एक्स तो ये 100 हो गया, ये 50 हो गया, 150 10 160 और 169 इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो माइनस करते हैं यहाँ 14 हो गया, 14 में से 9 तो 5 बच गया। अब यहाँ पे हो गया 8 में से 6 2 हो गया, और यहाँ पे 1 ख़त्म हो गया तो यहाँ 25 हो गया। 25 हम लोग कैसे लिखेंगे, तो x x से 20 हो गया और v से 5 हो गया, ये हो गया 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 3 नंबर में आते हैं हम लोग, राइट द फॉलोइंग इन रोमन नंबरल्स, तो इसका जो है रोमन नंबर में लिखने के लिए कहा गया है। तो अगर आप लोगों को रोमन नंबर जानने में दिक्कत होता है तो मैं बता चुका हूँ कि आप इंट्रोडक्शन वीडियो इसका देखेंगे, उसमें रोमन नंबर बताया गया है, उसको देखेंगे तो आप लोग आसानी से सीख जाएंगे। यहाँ पे 55 है तो सबसे पहले हम लोग 50 लिखते हैं, तो 50 लिखने के लिए एल लिखेंगे और 5 उसमें और प्लस कर देंगे तो एल भी, ये 5 हो गया 55 हो गया। उसके बाद 67 तो उसके लिए ये हो गया 50, ये हो गया 60। उसके बाद 7 तो भी और डबल आई 67 हो गया। 135 तो 135 इसके लिए सी से 100 हो गया, और 30 के लिए हम लोग लिखेंगे 3 तो एक्स लगाएंगे, 3 एक्स लगा दिए और 5 ये भी तो 135 हो गया। 143 तो 100 हो गया, 40 के लिए एक्स एल लगाएंगे और 3 इसके लिए 123 तीन आई देंगे तो ये हो गया 143। 159 ये हो गया 100 और ये हो गया 50 9 के लिए आई एक्स 159 कंप्लीट हो गया। उसके बाद 186 के लिए 100 और 80 के लिए हम लोग एल को लेके लिखना होगा, एल से 50 हो गया 150 60 70 80 और 6 तो 6 के लिए भी आई 186 हो गया। 199 के लिए 100 हो गया, ये सी 100। उसके बाद 90 के लिए एक्स सी 190 और फिर 9 के लिए आई एक्स 199। 200 के लिए बहुत ही आसान है, दो टू सी लिखेंगे और ये हो गया 200। 164 इसके लिए 100 सी एल 50 हो गया और ये 60 हो गया, 4 आई भी 164 ये कंप्लीट हो गया। 197 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सी सी से 100 हो गया और 90 के लिए एक्स सी 90 और 7 भी आई आई ये हो गया 197। और 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूरी तरह कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक नंबरल्स, 3 नंबर में जो है वो बतला रहा था जो हिंदू अरेबिक नंबर लिखा हुआ था और उसको रोमन नंबर में लिखना था, और यहाँ पे अब रोमन नंबर दिया हुआ है और इसको हम लोग जो कॉमन हिंदू अरेबिक नंबर जो लिखते हैं उसमें लिखना है। तो पता करते हैं ये कितना नंबर है, तो एक्स एल मतलब 40 हो गया और ये 9
इसका मतलब हो गया 49, उसके बाद एक्स सी इसका मतलब हो गया 90, और ये 5 95, ये 95, उसके बाद यहाँ पे सी एल मतलब 150, 60, 70, 71, 171, ये हो गया। उसके बाद सी एक्स एल मतलब सी 100, और यहाँ पे 40, और यहाँ पे 147, ये हो गया। उसके बाद सी एक्स सी मतलब 100, और ये 194, ये हो गया कंप्लीट। और ये एक्सरसाइज 6 पूरी तरह यहाँ कंप्लीट हो गया, और एक्सरसाइज 7 और 8 मैं पहले ही बना के दे चुका हूँ, तो उसके आगे का वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 8 और 9 पे हम लोग चलेंगे। अगर हमारे वीडियो से आप लोगों को थोड़ा भी मदद मिल रहा है तो हमारी वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।